बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए MS एक्सेल के हवाले से एक वीडियो और न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले दोस्तों, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि वीडियो को देख के लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो चलें दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले भी हमने MS एक्सेल की डेफिनेशन के ऊपर बात की थी, आज फिर एक दफ़ा मैं MS एक्सेल की डेफिनेशन जो है वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आज हम MS एक्सेल की डेफिनेशन और उसके अलावा यूजेज ऑफ MS एक्सेल के ऊपर बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेफिनेशन। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? एक्सेल डेफिनेशन, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट यूजेज स्प्रेडशीट्स टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डाटा विच फार्मूलाज एंड फंक्शन। कहता है कि MS एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रिएट किया गया है, जो कि स्प्रेडशीट को यूज़ करता है, नंबर और डाटा और फार्मूलाज एंड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक प्रोग्राम है जो को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रिएट किया गया है, जो कि स्प्रेडशीट जो कि नंबर, डाटा, फार्मूलाज एंड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्प्रेडशीट यूज़ करता है। एक्सेल एनालिसिस एक्सेल एनालाइज एबिक्यूट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड यूज्ड बाय बिजनेस। कहता है कि एक्सेल जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ होता है, ऑफ ऑल साइज टू परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी कि एक्सेल जो है वो दुनिया में बिजनेस के लिए यूज़ होता है, हर तरह की यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो उससे ये एक जो है वो तस्वीर दी गई है एक्सेल की। तो इसके बाद एक्सेल की डेफिनेशन के ऊपर हमने पहले भी मैंने एक तफसीली वीडियो जो है वो अपलोड की थी, आज फिर हमने एक्सेल की डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली है। तो आज मज़ीद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ यूज ऑफ एक्सेल, कि एक्सेल किसके लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल इज टाइपिकली यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। एक्सेल जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और फाइनेंशियल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज अक्रॉस ऑल बिजनेस फंक्शन एंड एट कंपनीज फॉर स्मॉल टू लार्ज। कहता है कि जो एक्सेल है वो तमाम बिजनेस के फंक्शंस और कंपनीज के जो यानी कि हिसाब किताब होते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। द मेन यूजेज ऑफ एक्सेल इंक्लूड्स, यहाँ वो बता रहा है कि एक्सेल के मेन इस्तेमाल कौन से हैं। जो पहला इसका इस्तेमाल है, डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, चार्टिंग एंड ग्राफिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, टास्क मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। डाटा एंट्री के लिए यानी कि कोई किसी भी किस्म के एंट्री डाटा की हमने एंट्री करनी हो तो ये एक्सेल को ही हम यूज़ करेंगे। डाटा मैनेजमेंट के लिए यानी कि डाटा को कोई भी डाटा किसी कंपनी का डाटा हो उसको मैनेज करना हो तो हम एक्सेल में ही यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग का कोई भी काम हो तो एक्सेल में होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यानी कि कोई भी किसी कंपनी का जो फाइनेंस का जो जितना भी काम है वो एक्सेल में ही होता है। चार्टिंग एंड ग्राफिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए यानी कि एक्सेल में काम करने से हमारा टाइम जो है वो मैनेज होता है। टास्क मैनेजमेंट के लिए यानी कि जितना भी काम होगा वो एक्सेल में जो है मैनेज होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट नीड टू बी ऑर्गेनाइज यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहें तो हम एक्सेल में ही करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मेन जो हमारा आज टॉपिक था वो एक्सेल के यूज के ऊपर था। तो
वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।